करते हैं मेरठ का सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि माहौल गरमाया हुआ है, राजनीतिक दलों के लोग सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद अपनी तैयारी करके बैठे हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है मेरठ में, किन लोगों के साथ हैं आप इस समय? देखिए, मैं इस वक्त आपको बताऊं, मेरे साथ यहां पर पूर्व विधायक हैं, हस्तिनापुर से पूर्व विधायक रहेंगे योगेश वर्मा, और इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे जो महत्वपूर्ण विधानसभा है वो हस्तिनापुर विधानसभा है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जो विधायक वहां से बनेगा उसी की सरकार बनेगी। पिछले कई दिनों से देखिए, सामने वहां स्ट्रांग रूम है, मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, जरा सत्येंद्र दिखाएं कि वहां स्ट्रांग रूम है और जो ईवीएम है वो सुरक्षा के घेरे में रखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की थोड़ी सी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो जाए, और इसी के लिए ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। योगेश जी, आपसे मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि लगातार दूरबीन से आप निगरानी बनाए हुए हैं, किस चीज़ की आशंका, किस चीज़ का डर थोड़ा सता रहा? आपने भी देखा, बनारस में, बरेली में, कई जिलों में देखा है कि ईवीएम मशीनें ट्रकों में लद लद के जा रही हैं, और ये व्यवस्था जो है, ये सरकार जो है, जो अब है इस समय बौखलाई हुई है, कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, आदेश है कि हम अपनी ईवीएम जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है, जहाँ पर रखी है, उसकी सही तरीके से निगरानी करें। तो हम इसी तरीके से, जब से स्ट्रॉन्ग रूम में हमारी ये मशीनें रखी हैं, हम तब से यहाँ पर नज़र गड़ाए हुए हैं, और प्रत्येक लोगों के, मतलब जो भी यहाँ आ जा रहा है उस पर निगाह है, जो गाड़ियाँ आती हैं उसको देखते हैं हम, और उसके अलावा भी यहाँ पर जो अधिकारी लगाए हुए हैं, जो अधिकारी हैं उन पर भी हमारी निगाह है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, और ये जो है इस समय माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे तो जनता ने इनको नकार दिया, जनता ने दिया है समाजवादी पार्टी को वोट, गठबंधन को वोट, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी साहब को वोट दिया है, गठबंधन को वोट दिया है, इनको जनता ने वोट तो दिया नहीं, चुनावी जनता ने लड़ा है, और किसानों ने चुनाव लड़ा है ये, और जिन पे अत्याचार और जुल्म हुआ उनके, उन्होंने चुनाव लड़ा है, और जो कोरोना में लोग, कोरोना हुआ था, बीमारी में लोग मरे, जिन्हें एक वेंटिलेटर नहीं दे पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दे पाए, उन लोगों ने चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ा। अभी आपने एक बात कही कि आप सब पे नज़र बनाए हुए हैं, लखनऊ की नज़र भी तो आप पे है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सीट तो आपकी है। पहले जब आप पूर्व विधायक बने थे तब भी सरकार बनी थी, जब विधायक बने थे आप, और इस बार भी आप पे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, बहुत भरोसा जताया अखिलेश यादव। देखिए, जो हम पे भरोसा जताया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस भरोसे पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहाँ पर है। जो हस्तिनापुर से जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। आपने देखा है चुनाव में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आके वोट मांग के गए हैं, दो दो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, ओबीसी यहाँ पे आए हैं, और कई नेता बड़े बड़े, प्रियंका जी आई है हस्तिनापुर क्षेत्र में, लेकिन यहाँ हमारी जनता ने, हमारे गठबंधन के तमाम लोगों ने, बिल्कुल, तो सनोज हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है।